हरियाणा के फरीदाबाद में जनरल टिकट पर एसी कोच में चढ़ रही महिला को टीटीई ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। शहबाज शरीफ को रविवार को नेशनल असेंबली में पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री चुना गया, प्रतिद्वंद्वी उमर अयूब खान को हराया। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने अश्लील गाने के विवाद के बाद आसनसोल से बीजेपी का लोकसभा टिकट ठुकराया। मुंबई के भांडुप में बैंक के लॉकर से 3 करोड़ से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण चोरी करने के आरोप में एसबीआई सेवा प्रबंधक गिरफ्तार। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर तैनात 31 वर्षीय जीआरपी कांस्टेबल मेड इन यूएसए पिस्तौल रखने के आरोप में गिरफ्तार। ईओडब्ल्यू ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद कथित धन निकासी मामले में शिवसेना यूबीटी नेता अनिल देसाई को समन भेजा। पुणे पुलिस ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को 45 करोड़ की ड्रग्स के साथ किया गिरफ्तार। नकली चीज विवाद अहमदनगर में मैकडॉनल्ड्स आउटलेट के खिलाफ कार्रवाई, FSSAI ने महाराष्ट्र FDA से जानकारी मांगी। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता कृपा शंकर सिंह को उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मिला लोकसभा चुनाव का टिकट। मुंबई के माहिम में बुधवार बाजार और सोमवार बाजार के फेरी वाले से NGO ने हफ्ता वसूलने वाले पर कार्रवाई की मांग की।